अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ जूनियर कैंपस हाई स्कूल। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 12 ऑफ जनरल साइंस। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 87। आवर टुडे टॉपिक इज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड इन गैसेस। हम आज देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर की जो थ्री फॉर्म्स हैं, उनके पार्टिकल्स के दरमियान में जो अरेंजमेंट होती है वो किस किस्म की होती है। इवन दो कि आप लोगों ने इसको टेबल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ा है, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसे। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, आपको पता है कि जो सॉलिड है वो चीज़ हार्ड होती है, ठीक है। या आप लोग डेली अपने घरों में भी चीज़ों को देखते हो कि जो सॉलिड्स हैं वो किस तरह हार्ड टाइप कोई मटेरियल होती है, और हार्ड होने के रीज़न क्या है, वजह क्या है। उसकी वजह ये होती है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, दिस वन आप यहाँ पे अरेंजमेंट जो है उसको चेक करें, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन अबाउट सॉलिड पार्टिकल्स अरेंजमेंट, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कल की फॉर्म में शो किया गया है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स यानी ज़र्रे, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ जुड़कर पूरा एक उसने मैटर बनाया है। वेरी क्लोज टू ईच अदर, टाइटली पैक्ड यानी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ आपस में जुड़कर उन्होंने पैकिंग की होती है। सॉलिड्स स्वयं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल, उनको दबाया नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ घर में सॉलिड है, ठीक है, वो हार्ड है, लकड़ी ले लें या बेड, समथिंग एल्स, कुछ भी, कोई चीज़ अगर हार्ड है आप उसको दुबाने की कोशिश करें, क्या वो दुबाया जा सकता है उसको, क्या उसकी शक्ल में चेंजिंग आती है, नहीं आएगी। तो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है कि उनको दुबाया नहीं जा सकता। उसके रीज़न क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इन पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इनको दुबाया नहीं जा सकता, इस वजह से इन ये कंप्रेसिबल नहीं है। एक और बात के पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो सॉलिड्स की शेप है, आप एक बात कंसिडर करें अपने माइंड के अंदर कि अगर कोई चीज़ हार्ड है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही जा रही है, ठीक है, अरेंजमेंट पैकिंग भी अच्छी है, तो क्या उस मटेरियल की कोई शेप नहीं होगी? डेफिनेट शेप होगी ना, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप होगी जिस तरह की आप चाहते हैं, डेफिनेट उसकी शेप होगी, और बनने के बाद वो चीज़ उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होगा। मतलब कि अगर आप उसको किसी जगह पर रखेंगे तो वो किसी ना किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जगह को स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के एग्जैक्ट होने की वजह से सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, और सॉलिड की जो शेप होती है वो भी फिक्स होती है। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन लिक्विड्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, हेल्ड टुगेदर लेस फिर्मली, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स आपस में जुड़े तो हैं लेकिन उनकी जो पैकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हेयर यू कैन सी कि पैकिंग जो है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर होती है, तो ये पार्टिकल एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते। पार्टिकल्स इवन के उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। अब लिक्विड की एग्जांपल लें, आपको पता है अगर हम इस केस के अट्रैक्शन की बात करें, अगर कोई चीज़ एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बिल्कुल पीछे से कोई चीज़ खींच रही हो, क्या वो चीज़ फ्लो कर सकती है? बिल्कुल नहीं करेगी। यही वजह है कि सॉलिड्स स्वयं वो फ्लो नहीं करते, बट जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो इन पार्टिकल्स के दरमियान में थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को उतनी फोर्स के साथ एक नहीं खींचते, ठीक है। तो
डैट्स वाई लिक्विड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फ़्लो करने की हम बात कर रहे हैं ना, फ़्लो करना यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चले जाना, ठीक है। अब फ़्लो की बात करें तो कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से फ़्लो करते हैं, कुछ लिक्विड्स जो हैं वो स्लोली फ़्लो करते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, वाटर की एग्जांपल अगर आप लें, पानी तेज़ी से मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, फ़ौरन फैल जाता है। लेकिन अगर आप हनी लिक्विड की बात करें, वो भी तो लिक्विड है ना, ठीक है, वो भी लिक्विड है लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं फैलता। उसकी रीज़न क्या है, ये पार्टिकल्स की थोड़ी सी अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो चीज़ें तेज़ी से फ्लो करती हैं उनकी विस्कोसिटी यानी मूव करने की जो पावर होती है ना, उसको कहते हैं विस्कोसिटी, उनकी विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन जो लिक्विड स्लोली मूव करते हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। डैट्स वाई कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो तेज़ी से फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो वो ज़रूर करेगा, अगर आप उसको एक जगह मतलब बर्तन में रख देंगे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि तो वो फैल जाएगा। फैलने की रीज़न क्या है, क्योंकि उसने फ्लो किया है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गया है। पॉइंट नंबर थ्री, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े नहीं होते। लिक्विड्स को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब कंप्रेस करने से मुराद ये कि ये एक लिक्विड दूसरी लिक्विड के ऊपर फ्लो कर सकता है। और पॉइंट नंबर फाइव, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है ही। अच्छा, अगर हम शेप की बात करें, क्या लिक्विड की कोई शेप होती है? नहीं होगी। क्या लिक्विड का कोई वॉल्यूम होता है? अब लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम वही वॉल्यूम होता है जिस भी बर्तन के अंदर आप उसको डालते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिक्विड को ग्लास में डालोगे तो वो पानी ग्लास की शेप ले लेता है, अगर आप उसको जग में डालोगे तो वो जग की शेप ले लेता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि उसको किस कंटेनर, किस बर्तन में डाला जा रहा है, लिक्विड उसी की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे। आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर गैस के पार्टिकल्स को देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल किस हद तक एक दूसरे से कितनी कितनी दूर हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर आप ऐसे लें कि अगर आप किसी भी रूम के अंदर स्प्रे करते हैं, क्या होता है, थोड़ी देर के बाद स्प्रे की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, वो बेसिकली गैस ही है। तो गैस के पार्टिकल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वेरी फार टू ईच अदर, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ओकोपाई ऑल वॉल्यूम, यानी जितना भी वॉल्यूम उनके पास, जितनी भी जगह उनके पास होगी, वो सारी की सारी उसको ओकोपाई कर लेंगे। कंप्रेसिबल, उसको दबाया जा सकता है। निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स से क्वेश्चन नंबर 6 आपने अच्छे से लर्न करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।